बैक टू माई चैनल सुखमन टेल्स। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हमारे घर पे चल रही थी कुछ तैयारियाँ, तो हमने बुलाया हुआ था डेकोरेशन वाले भैया को, तो बस उसी दिन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सेम डे का व्लॉग है ये। तो वो सब करवाने के बाद जब सारे बलून्स लग गए तो फिर उसके बाद मैं और मेरी भाभी हम दोनों निकले हैं बाज़ार, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम था जो हम भूल गए थे। हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं कैसे इतना सारा काम था कि उसमें हम भूल ही गए। तो बस अब हम आए हैं उसी मिस्टेक को सही करने के लिए। हमारे पास टाइम था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हो आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मॉल है रांची का, बहुत ही अच्छा मॉल है। और जिन्हें नाम पता है, जो समझ गए कि ये कौन सी जगह की वीडियो है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इस मॉल में हम आए हैं शॉपर स्टॉप में। और फ्रेंड्स, ये मॉल एक ऐसा है ना जहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारी वैरायटी में, मतलब आपको जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो मतलब अलग अलग ब्रांड की यहाँ पे शॉप्स हैं, तो हमें तो शॉपर स्टॉप आना था इसलिए हम यहीं पे आए हैं। और ये देखिए पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, हमने फ़ोटोग्राफ भी ली है इसकी। तो बस अब हमने जो लेना था वो हमने ले लिया है, और इसके बाद हम आए थे यहाँ पे उसे रैप करवाने के लिए। तो अब इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम ये गिफ्ट ले रहे हैं किसी के लिए। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में मतलब बताया था कि हम इतनी तैयारियां कर रहे हैं और कुछ है ऐसा सरप्राइज़ जो हमने देना है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल है जिनका बर्थडे है। तो अब मुझे लगता है कि इस व्लॉग में मैं उसे डिस्क्लोज़ नहीं कर पाऊँगी कि आखिर सरप्राइज़ क्या है। आई प्रॉमिस कि इसके जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा मैं उस पर ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी जा रही थी इसलिए मैंने ये पूरा नहीं डाला इस व्लॉग में। तो ये देखिए, ये भाभी लिख रही हैं नाम, हैप्पी बर्थडे प्रिंस। तो प्रिंस मैं बता दूं कि वो मेरे भैया का नाम है। तो था हमारे भैया का बर्थडे 5th of April और ये वीडियो है 4th of April की। तो बस हम उनके लिए एक छोटा सा हमारी तरफ से गिफ्ट एक और वो लेना भूल गए थे, तो बस हम आए थे वो लेने के लिए। और जाते हुए भाभी को याद आया कि उन्होंने लेना है बुकेट, तो बस वो हमने लिया। फिर वो लेते हुए मन किया कि सिर्फ बुके देने में अच्छा नहीं लगेगा, क्यों ना हम चॉकलेट भी ले लें। तो फिर मैंने सजेस्ट किया कि आप ये वाली चॉकलेट ले लो, तो वो चॉकलेट ली। फिर हमने लाइट्स भी लेनी थी वो भी ली। तो ये सारा काम करके फिर मैं और भाभी हम दोनों आ गए हैं घर, और काफ़ी थक भी गए थे हम लोग। और फिर घर आने के बाद, ये मेरे सिस्टर है, घर आने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि हमने डिनर किया। डिनर के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करने लगे थे, और ये देखिए बस 12 बजने में 10 या 15 मिनट ही बाकी थे, तो हमने सोचा कि एक बार अच्छे से सारा कुछ अरेंज कर देते हैं। तो बस भाभी लगी हुई थी, और ये देखिए हमारा टेडी, मेरे सिस्टर का बहुत फेवरेट है ये, और ये हमारे घर का छोटा मेंबर, आप मिले हो पहले इससे, मिट्टू। तो देखिए कैमरे जाने के बाद ये कैसे कर रहा था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये डेकोरेशन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं भैया को लेने, देखिए क्योंकि 12 बज चुके थे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी देखा ही भैया का रिएक्शन, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। हमने सॉन्ग भी प्ले कर रखा था और डेकोरेशन तो थी ही। और ये अब हो गया है केक कटिंग का टाइम, भाभी ने लगा दी थी कैंडल, सब केक कट कर रहे हैं। और उसके बाद और ये रही भाभी। भाभी ने बहुत ही प्यारा सा बुके बनवाया था रोज़ेस का, और साथ में उन्होंने चॉकलेट्स भी दी थी। और ये रही हम दोनों बहनें भैया को बर्थडे विश करते हुए।
और ये हमने जो गिफ्ट लिया था, जो हमसे मिस्टेक हो गई थी, वो हमने दिया भैया को, और भैया को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हमारा गिफ्ट। तो देखिए, हमने एक शर्ट दी थी, बहुत अच्छा कलर था, ये भैया के पास है भी नहीं और उन्हें बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, अब हम मिल रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग यानी 5 अप्रैल को, जिस दिन हमारे भैया का बर्थडे है। तो देखिए, हम सुबह रेडी होकर जा रहे थे गुरुद्वारा साहिब, क्योंकि हम हमारे बर्थडे वाले दिन की शुरुआत ही गुरुद्वारा साहिब जाके करते हैं। वहाँ जैसा सुकून कहीं भी नहीं मिलता है हमें। तो बस अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब। फ्रेंड्स, देखिए, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर, और इस व्लॉग को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। आगे मैंने पिक्चर्स भी ऐड की हैं। तो घर आने के बाद ब्रेकफास्ट बनाया, और ये देखिए दोनों माँ बेटे का प्यार, टच वुड। और ब्रेकफास्ट में हमने बनाई थी आलू चने की सब्ज़ी और साथ में कचौड़ियाँ, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनी तो थी। फ्रेंड्स, बस इसी के साथ हम आ गए हैं ब्लॉग के एंड पे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।